आईआईटी में एडमिशन मिलना और एक अच्छी करियर की गारंटी मिलना अच्छी सैलरी की गारंटी माना जाता था। दुनिया भर के कई बड़ी बड़ी कंपनियां हायरिंग के लिए आईआईटीज के दरवाजे पर एक तरह से कहें कि खड़े रहती हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या अब वक्त बदल रहा है? दरअसल एक आरटीआई के ज़रिए ये पता चला है कि 2024 में देश की तमाम कैंपसेस में आईआईटी संस्थानों के लगभग 38% आईआईटीएंस को प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। आज हम आईआईटीएंस के प्लेसमेंट पर ही बात करेंगे, जानेंगे कि परेशानी क्या है, आईआईटीएंस के प्लेसमेंट में इतनी प्रॉब्लम क्या आ रही है। 38% अगर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिला है तो इसके पीछे के कारण क्या है? क्या वाकई में जॉब्स का अकाल है, जॉब्स का टोटा है, या बच्चे खुद ऑप्ट नहीं कर रहे, दूसरी स्टडीज में जाना चाहते हैं? बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। फौरी तौर पर यह समझ में आता है कि कुछ तो चुनौतियां हैं जिससे प्लेसमेंट्स मिलने में या तो तकलीफ हो रही है या फिर डीले हो रहे हैं। उन कारणों की पड़ताल करेंगे, इस पूरे मसले के इर्द गिर्द के तमाम पर्सपेक्टिव्स को टटोलेंगे खास मेहमानों के साथ। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। आईआईटी देश में इंजीनियरिंग के प्रीमियम संस्थान है। इन संस्थानों में एडमिशन मिलना मतलब मोटी सैलरी की गारंटी माना जाता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हायरिंग के लिए उनके दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। लेकिन आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है उसे देखकर लगता है कि साल 2024 में आईआईटी का वक्त बदल रहा है। आरटीआई के जरिए पता चला है कि आईआईटी की 23 संस्थानों में 2022 में कैंपस प्लेसमेंट में 17,900 स्टूडेंट शामिल हुए थे, लेकिन 14,490 स्टूडेंट्स को ही नौकरियां मिली, यानी 19% अनप्लेस्ड रहे। इसी तरह साल 2023 में 20,000 स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हुए, लेकिन 15,830 छात्रों को ही नौकरियां मिल पाई, यानी 21% अनप्लेस्ड रहे। वहीं साल 2024 में कैंपस प्लेसमेंट में 21,500 स्टूडेंट शामिल हुए थे, लेकिन 13,410 छात्रों को नौकरी मिल सकी, यानी 38% को नौकरी नहीं मिली। अब आलम यह है कि आईआईटी दिल्ली ने अपने पूर्व छात्रों को मेल भेजकर मौजूदा बैच को नौकरी दिलाने या इंजीनियरों को नौकरी देने वाली कंपनियों को सिफारिश करने में मदद मांगी है। आईआईटी दिल्ली ने अपने पूर्व छात्रों को भेजे गए ईमेल में कहा है कि साल 2023-24 के लिए प्लेसमेंट सत्र खत्म होने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद लगभग 400 छात्रों को अभी भी नौकरी नहीं मिल सकी है। ऐसे में आईआईटी दिल्ली अपने पूर्व छात्रों के नेटवर्क से संपर्क कर रही है ताकि छात्रों को नौकरियां मिल सके। वहीं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने पहली बार 2 महीने पहले अपने पूर्व छात्रों से मदद मांगी है। आईआईटी बॉम्बे ने भी पूर्व छात्रों से ईमेल के जरिए संपर्क किया है। इन संस्थानों में प्लेसमेंट अभी भी जारी है और जून के अंत तक चलेगा। यहाँ प्लेसमेंट में भाग लेने वाले बैच के लगभग 10% छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल 329 छात्रों को नौकरी नहीं मिली थी, वहीं 2022 में यहाँ 171 आईआईटीएंस नौकरी पाने में असफल रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर बिट समूह के कुलपति वी राम गोपाल राव का कहना है कि हर जगह प्लेसमेंट में 20-30% की गिरावट आई है। चैट जीपीटी और बड़े लैंग्वेज मॉडल ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कई देशों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कंपनियां इंतजार कर रही हैं, इसलिए आईआईटी छात्रों को नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है। खैर मामला जो भी हो, लेकिन इस साल आईआईटी के 38% छात्रों को नौकरी नहीं मिलने से बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमेशा से ये माना जाता रहा है कि आईआईटी में दाखिला पाना मतलब मोटी सैलरी के साथ कंफर्म नौकरी माना जाता रहा है। लेकिन आरटीआई के खुलासे के बाद ऐसा लग रहा है कि हालात बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वी राम गोपालन राव सर, ग्रुप वाइस चांसलर बिट्स पिलानी कैंपसेस, और साथ ही साथ फॉर्मर डायरेक्टर भी हैं आईआईटी दिल्ली के। राव सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अर्घ सरकार, जो कि फाउंडर हैं रिक्रूटमेंट मंत्रा एचआर कंसल्टेंसी के। अर्घ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। सर, बड़ा कम सुनने को ऐसा मिलता है कि इतनी बड़ी संख्या में IITians को प्लेसमेंट नहीं मिला। कुछ दिनों पहले पर्टिकुलरली IIT मुंबई के बारे में भी कुछ इसी तरह के आए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द कैंपसेस प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाए बड़ी तादाद में बच्चों को। क्या कारण है सर? इट्स ट्रू, यू नो दिस ईयर इज ए काइंड ऑफ ए स्पेशल ईयर। अगर आप देखेंगे अमेरिका में भी बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, अमेरिका में भी जॉब्स का बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और यू नो देर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई
इस साल इतना इतना बुरा चल रहा है, एटलीस्ट 20-30% लोअर जॉब्स है, फ्यूअर जॉब्स है हर कैंपस में। और इवन अगर आप देखेंगे रिक्रूटर्स को भी, एटलीस्ट 15-30% ड्रॉप इन द नंबर ऑफ रिक्रूटर्स है। अब जो भी रिक्रूटर्स आ रहे हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते थे, आज इस साल वो लोग भी इतना ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रहे। देर आर मल्टीपल रीजन्स, वन ऑफ द रीजन्स इज द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। आई थिंक दिस ईयर विद इलेक्शंस इन मेनी कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन द यूएस एंड इंडिया, आई थिंक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंशन प्लान्स, मेनी थिंग्स आर ऑन होल्ड इन द इंडस्ट्रीज। एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट्स ऑल्सो बिगिनिंग टू इम्पैक्ट दैट अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमिक सिचुएशन। एवरीबडी वॉज वरीड अबाउट रिसेशन इन द यूएस, विच वॉज द मेजर काज ऑफ ए कंसर्न, बट अभी वो रिसेशन का फियर्स तो चले गए, लेकिन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट वो सब चल रहे, इलेक्शंस चालू है, और ये इंक्रीजिंग रोल ऑफ दिस AI/ML टूल्स इज ऑल्सो ए रीजन विच वन नीड्स टू कंसिडर। मैं रिसेंटली एक बहुत बड़े एक IT कंपनी का हेड से बात कर रहा था। नाउ दे आर मैसिवली ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉयज। वन थिंग दीज चैट GPT काइंड ऑफ टूल्स डू इज दे इम्प्रूव द एफिशिएंसी। द वर्क दैट आई कैन गेट डन विद 3 पीपल, आई कैन नाउ गेट इट डन विद 2 पीपल, विद दीज पीपल यूजिंग द चैट GPT काइंड ऑफ टूल्स। तो दैट वे एफिशिएंसी ऑफ एवरी पर्सन इज इंक्रीजिंग, तो दे विल नीड फ्यूअर पीपल, तो दे कैन यूज, हु कैन यूज दीज टूल्स वेरी इफेक्टिवली। सो देर आर मल्टीपल रीजन्स वाई। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि AI के उभार को लेकर आपने एक अपना एक नज़रिया रखा है, क्या हम ये कह सकते हैं आपके अनुभव के अनुसार कि AI के बाद ख़ास तौर से IITians के जॉब्स को भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है सर AI की वजह से? इस साल का बहुत मुश्किल है वो बताना, क्योंकि यूजुअली IITs आर आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। जो भी रिक्रूटर्स रिक्रूट करना चाहेंगे पहले IITs में जाएंगे, IITs और बिट्स पिलानी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इमिडिएटली जॉब मिल जाता है, बट ये सेकंड टायर थर्ड टायर इंस्टीट्यूशंस को ऑफन प्रॉब्लम हो सकता है। बट इस साल बहुत सारा रीजन साथ साथ आ गया, और इसके कारण इवन IITs में भी, बिट्स पिलानी में भी ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो आई थिंक दिस ईयर इज अ वेरी स्पेशल ईयर, सो डिफिकल्ट टू मेक सच कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन जस्ट 1 ईयर डेटा। ऑलराइट, आगे मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम IITs में भी स्टूडेंट रिक्रूटमेंट का ब्रेकडाउन देखें तो उसमें जो ओल्डर 9 IITs हैं उसमें भी अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है। 37% ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल जॉबलेस। 16,400 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कराया था प्लेसमेंट के लिए, 6,050 के आसपास को नहीं मिला। ये ओल्डर 9 IITs की जब हम बात करते हैं, जो मोस्ट प्रीमियर IITs हैं, जो न्यूअर 14 IITs हैं उनमें स्थिति और भी गंभीर है, स्वाभाविक है। 5100 बच्चों ने रजिस्टर कराया था, उसमें से 2,040 बच्चे, यानी कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो 40% ऑफ देम रिमेन अनप्लेस्ड। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड IITian इन न्यूअर 14 IITs। ये क्या ट्रेंड है सर? क्योंकि IIT का मतलब तो माना जाता था कि एक सेफ, सिक्योर एंड क्विक जॉब एंड अ गुड हैंडसम सैलरी पैकेज। देखिए, बेसिकली दैट्स मीन्स इज दैट 63% IITians ऑलरेडी हैज बीन प्लेस्ड। हम लोग क्या बोल रहा है, 38% IITians येट टू बी प्लेस्ड। दैट्स मीन्स इफ वी आर टेकिंग इट इन द पॉजिटिव वे, 63% IITian हैज बीन ऑलरेडी प्लेस्ड। एंड इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव वेरी सून वी विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी जो IIT में जितना सारे स्टूडेंट जाता है, हम लोग को देखना पड़ेगा वो सारे स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स और आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT, एवरीबॉडी आर लुकिंग फॉर द जॉब, ऐसा नहीं है। 100% स्टूडेंट्स आर नॉट लुकिंग फॉर द जॉब। काफी सारे IITians होता है हु आर इंटरेस्टेड फॉर हायर स्टडीज, और काफी सारे IITians होता है हु वांट टू स्टार्ट समथिंग बाय देयर ओन, and they want to start their entrepreneurship journey. And आप
सारे लास्ट 8-9 साल का ईयर का सारे हमारा इंडिया का ग्रोथ देखेंगे स्टार्टअप का. सो काफी सारे IITians दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योरशिप. And as an entrepreneur, to help the entrepreneur, our central government taken the lots of initiative like auto innovation missions. They have taken the flagship project. But ये वाला बात और सही है. This साल still 38% IITians yet to be placed. But reason क्या है? Reason काफी सारे multiple reason का होता है. काफी काफी टाइम ऐसा होता है काफी सारे कॉर्पोरेट का मल्टीनेशनल कंपनीज का रिक्रूटमेंट सर्किल में डिलेड हो जाता है. जनरली आईआईटी में क्या होता है, काफी सारे कॉर्पोरेट तो आता ही है. एट द सेम टाइम दे अप्रोच देयर एलुमनीज एंड दे यूज टू यूज देयर रेफरेंस फॉर प्लेसिंग देयर स्टूडेंट्स. बट ग्लोबल इकोनॉमिक्स में काफी सारे कॉर्पोरेट का क्या होता है, कभी कभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होल्ड हो जाता है. और रिक्रूटमेंट प्रोसेस होल्ड हो जाने के कारण से क्या होता है, रिक्रूटमेंट सर्कल कभी कभी डिलेड हो जाता है. तो कभी कभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिलेड होने का कारण रीजन से रिक्रूटमेंट थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है. नो नो आई मीन आप यू आर लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर. बिल्कुल. बट इज इट द केस इन जनरल 62% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाना, इज दिस द केस? अगर आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी डेटा, बट क्या ये बीते 5 साल 10 साल का ऐसा केस है कि 62% या 60-70 के आसपास ही होता था? नंबर वन. नंबर टू, आप कह रहे हैं कि डीले हो जाता है. अगर डीले है तो इट शुड बी अ कंफर्टेबल सिचुएशन, एंटिसिपेटेड सिचुएशन कि ठीक है भाई रुक जाएंगे. लेकिन हम देख रहे हैं कि बिट्स पिलानी जैसे प्रीमियर संस्थान वो अपने एल्युमनाई को अप्रोच कर रहे हैं, आईआईटीज बहुत सारे अपने एल्युमनाईज को अप्रोच कर रहे हैं कि भाई प्लीज कुछ करिए, आप भी हेल्प करिए. तो सिचुएशन अगर नॉर्मल है जैसा आप बता रहे हैं कि इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस की डिले हो जाता है, तो फिर ये रीच आउट करने की जल्दबाजी क्यों, या ये इस तरह का सेंस हमें क्यों आ रहा है कि देयर इज कहीं कुछ चिंताजनक स्थिति है? नहीं, डिलेट का पीछे भी काफी सारे रीजन है. यहाँ का पीछे काफी सारे मेन जो रीजन है क्या है, इसी टाइम में काफी सारे पार्टी में ग्लोबली इलेक्शन भी एक रीजन होता है. और इलेक्शन का चीज में क्या हो सकता है, काफी सारे एम्प्लॉयर्स भी होल्ड हो जाता है उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस. दिस इट्स नॉट लाइक दैट उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे में ओपन नहीं होगा, ओपन भी हो जाएगा, बट मे बी इट विल टेक सम मोर टाइम्स. ओके ओके ऑलराइट राव सर, अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं. नंबर वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा क्रूशियल है खास तौर से यंगस्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, वो है कि क्या वाकई में इज देयर अ शिफ्ट इन इंडस्ट्री डिमांड. जैसे आपसे हमारी बात भी हो रही थी कि कुछ स्किल्स जो हैं वो जो स्किल्स सेट हैं वो शिफ्ट हो गए हैं, शायद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, शायद कंपनीज अब इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं. तो क्या हम कम रिक्रूटमेंट को या डिलेड या स्लो रिक्रूटमेंट को शिफ्ट इन इंडस्ट्री डिमांड के तौर पर देखें सर? और अगर डिमांड ये शिफ्ट हो रहा है तो हमारा जो करिकुलम है क्या हम उसके लिए तैयार हैं या उसमें रिफॉर्म करने को रेडी हैं? नो, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, हम अभी भी आईटी का जमाना में भी, आई मीन वी आर जस्ट स्टक इन द आईटी एरा, राइट? आईटी के बाद बहुत सारा नया नया टेक्नोलॉजी आया, उधर भी बहुत सारा जॉब्स का क्रिएशन हुआ. आईटी के बाद आया बायो टेक्नोलॉजी, राइट? बायो टेक्नोलॉजी के बाद आया नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के बाद आया कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज, AI, ML, ये सब चीज आ गए. उसके बाद अभी क्वांटम टेक्नोलॉजीज आ रहे. बट इंडिया में ना वो बहुत सारा रिसर्च हो रहा है इन सब चीज़ों में, इन सब हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में, बट लेकिन हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे. क्योंकि अपना इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, वो रिसर्च और इनोवेशन का तालमेल नहीं हो पा रहा है. ये दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन में एक सिनर्जी नहीं बन पा रहे. तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है. इंडिया में देखेंगे तो अभी इंडिया वर्ल्ड का थर्ड कंट्री है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च आउटपुट. बट अगर आप इनोवेशन देखेंगे, इनोवेशन क्या होता है, ये रिसर्च का वैल्यू जनरेट करना, ये रिसर्च से जॉब्स क्रिएट करना, वेल्थ क्रिएट करना. अगर वो इनोवेशन पैरामीटर्स में देखेंगे, इंडिया अभी भी 40th पोजीशन में है. वो 40th पोजीशन भी प्राइमरली ये आईटी ये एरियाज के कारण हम 40th पोजीशन में है. अगर हम आप डीप टेक्नोलॉजीज देखेंगे, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें हम कितना जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं,
ये देखेंगे तो हम बहुत ही पीछे है, हम जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे। उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि अकेडमिया इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन, राइट, इंडिया का अकेडमिया इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन बहुत ही पूर है। इंडिया अभी 130 का कंट्रीज में रैंकिंग में इंडिया का पोजिशन है 66th, यू नो हम 66th रैंकड है अकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में, क्योंकि इंडस्ट्री अकेडमिया दोनों साथ साथ काम नहीं कर पा रहे। जितना भी रिसर्च नॉलेज अकेडमिया से जनरेट हो रहे वो इंडस्ट्री यूज नहीं कर पा रहे। इसके कारण इंडस्ट्री में नया टेक्नोलॉजीज को आना, नया प्रोडक्ट्स क्रिएट करना, नया प्रोडक्ट्स में जॉब क्रिएट करना, एक हम नहीं हो पा। बट एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, आई एम सॉरी सर टू इंटरप्ट, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो बहुत अच्छा, सर थैंक यू सो मच कि आपने अकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का मुद्दा उठाया, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू है। और लेकिन जो इंडस्ट्री की तरफ से काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है कि हमें जो स्किल चाहिए वो एकेडमिया और जो कैंपसेस हैं वहां पर वो पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं, इसलिए आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आउट, जो बच्चे हैं वो हमारे लिए अनएम्प्लॉयबल हो जाते हैं, वहां से ही आर्ग्यूमेंट आता है सर। नो, ये एम्प्लॉयबिलिटी एक अलग चीज है। एम्प्लॉयबिलिटी हमारे पास इतना सारा जॉब्स है, अगर ये जो स्टूडेंट्स है उनको जॉब्स के ऊपर ट्रेनिंग मिला है नहीं मिला है, राइट, उसके लिए ज्यादा तालमेल होना चाहिए, उसके लिए इंटर्नशिप्स होना चाहिए, उसके लिए तो कोलैबोरेशन तो एक अलग तो इम्पॉर्टेंट बात है। और उसमें ज्यादा इंटर्नशिप काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इफ यू कैन क्रिएट, और बिट्स पिलाने में आप देखेंगे एक प्रैक्टिस स्कूल कॉन्सेप्ट है, 50 साल से प्रैक्टिस स्कूल चल रहे, एवरी स्टूडेंट बिट्स पिलाने का ऑलमोस्ट 8 मंथ्स इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करता है। उसके उसे क्या होता है, एवरी स्टूडेंट, यू नो एवरी सेकंड स्टूडेंट ऑन द कैंपस गेट्स प्लेस इन द प्रैक्टिस स्कूल इटसेल्फ। जब वो इंडस्ट्री जाके इंटर्नशिप करेंगे उधर ही उनको जॉब मिल जाता है एवरी सेकंड स्टूडेंट को। तो ये वाला चीज नेशन भर में लाना चाहिए, हर एक इंस्टीट्यूशन में वो इंटर्नशिप का प्रोसेस कंपलसरी करना चाहिए, और उसके लिए इंडस्ट्रीज को भी यू नो मैंडेट करना चाहिए कि आपको इतना स्टूडेंट को ट्रेन करना ही है। एक बात है, बट सेकंड बात है नया टेक्नोलॉजीज में नया प्रोडक्ट्स जनरेट करना, राइट, ये चीज के लिए वी नीड टू यू नो फोकस मोर ऑन द रिसर्च इनोवेशन का सिनर्जी। अगर बायोटेक्नोलॉजी में ले लीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, उधर भी बहुत सारा जॉब क्रिएट हो सकता है इफ ओनली एकेडमिया एंड इंडस्ट्री कैन वर्क यू नो इन सिंक्रोनाइजेशन। यस सर, बहुत संक्षेप में अर्घ, ये जो फ्यूअर जॉब ऑफर्स हैं इनके साथ साथ क्या आप लो सैलरी पैकेजेस भी देख रहे हैं, और अगर हाँ, क्योंकि प्रेशर बहुत है जैसा सर भी बता रहे, इकोनॉमिक स्लो डाउन, शिफ्ट इन इंडस्ट्री डिमांड, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट संक्षेप में अगर लोअर सैलरी पैकेजेस भी हैं तो ये कब तक सुधर पाएगा कि अच्छा जॉब और ज्यादा जॉब, संक्षेप में सर। सी बेसिकली आईआईटीएल्स जो स्टूडेंट्स है उनका प्लेसमेंट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द सारे एम्प्लॉयर का ग्लोबल हायरिंग पॉलिसीज क्या है। नॉर्मली आईआईटीएल्स को सैलरी रेंज स्टार्ट होता है 24 लाख पर एनम, दैट इज द मिनिमम स्केल, एंड इट गोज अप टू 1 crore पर एनम, एंड सम केसेस इट्स कैन गोज इन द अपर देन 1 crore पर एनम ऑल्सो। सो इट्स नॉट लाइक दैट सैलरी इज द कॉन्स्टेंट इशू, बट काफी टाइम में क्या होता है, एम्प्लॉयर का प्रायोरिटी और रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है। ये जो 24 लाख पर एनम स्केल है, काफी टाइम एम्प्लॉयर क्या होता है, दे प्रेफर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट, राइट, दे थॉट सम में कोई फ्रेशर को लेंगे, उनका पीछे मेरे को कुछ भी ट्रेनिंग भी देना होगा, ये सपोज मेरा अभी जो रिक्वायरमेंट है, मैं फ्रेशर का जो जगह में कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लेगा, देन आई हैव टू गिव द दे आर ब्लेस्ड ट्रेनिंग। सो ओवर के लिए एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी लेता है, प्रेफरेंस। यानी कि प्रेफरेंसेस भी हैं जो इस पूरे मसले को कहीं इन्फ्लुएंस भी करती है। आई एम सॉरी सर, मेरे पास वक्त इतना ही है, बातचीत तो आप दोनों से बहुत सारी करनी थी, बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स आप दोनों से मुझे मिले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, वी रामगोपाल सर थैंक यू सो मच सर, आर्य सरकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, ये थी हमारी कवर स्टोरी।